लेबनान के हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर अपने भीषण हमलों से कोहराम मचा रखा है। लेबनान से हर घड़ी उत्तरी इसराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें बरस रही हैं, जिनका तोड़ इजरायली सेना के पास नहीं है। लेबनान से सटे बॉर्डर पर जैसे ही इजरायली सेना कोई चहलकदमी करती है, वैसे ही हिजबुल्ला बाज की तरह उनके ऊपर टूट पड़ता है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला ने आईडीएफ की सैकड़ों सैन्य चौकियों को मिट्टी में मिला दिया है और उनके साथ इसराइल के अरबों डॉलर के हथियार भी स्वाहा हो गए हैं। और अब एक बार फिर से हिजबुल्ला ने इसराइल को दहला कर रख दिया है। दरअसल 29 अगस्त 2024 को हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर करीब 10 हमले किए हैं, जिनमें आईडीएफ की कई सैन्य चौकियों पर हमला किया गया है। हिजबुल्ला ने सबसे पहले सीरियन गोलन में नाफा बैरक्स पर आत्मघाती ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसका ये ड्रोन 210वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर जा लगा। इसके बाद शाम करीब 3:26 पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने ज़ारिट मिलिट्री साइट पर गोला बारूद दाग दिया और इसके कुछ ही घंटों बाद कफार यूवल सेटलमेंट पर हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। इन हमलों को लेकर हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने तलत अल तेहत और डोबी मिलिट्री बैरक्स में 4:40 से लेकर करीब 4:50 के बीच इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, जिनके ऊपर सीधा हमला किया गया। इसके बाद शाम 5:50 पर कफार चौबा हिल्स में हिजबुल्ला ने आईडीएफ पर एक साथ दो हमले किए हैं। पहला हमला अल सिमाका मिलिट्री साइट और दूसरा रोइसत अल अलम मिलिट्री साइट पर किया गया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने इस हमले के बाद मेतुल्ला सेटलमेंट में एक बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। यह इलाका लेबनान के कफार किला के बिल्कुल ठीक सामने है और इस हमले के बाद मनारा सेटलमेंट में भी एक ऐसा ही हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्ला ने आईडीएफ की एक बिल्डिंग पर हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि रात में करीब 10:30 पर उसने बयाद ब्लीडा मिलिट्री साइट पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है।